आप लोगों ने लाखों हजारों रुपए की क्रीम्स यूज की होंगी, लेकिन आपके फेस पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में क्रीम बनाना घर में सिखाऊंगी। आप इजीली उसको बना के यूज कर सकते हैं। जब आप उसको यूज करेंगे तो आपकी स्याहियां, पिंपल एंड एक्नी सब कुछ खत्म होके आपकी स्किन हो जाएगी वाइट। तो अगर आप बनाना चाहते हैं बहुत इजी क्रीम सिर्फ 30 रुपीज में, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी पावरफुल क्रीम शेयर करूंगी जिसको आप यूज करके इजीली अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे एक्नी आ चुकी है, स्याहियां आ चुकी हैं, या फिर आपका फेस मुरझाया रहता है, डल रहता है, बहुत सी क्रीम्स यूज की हैं आपको फायदा नहीं हो रहा, तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी क्रीम उसको यूज कीजिएगा। इंशाल्लाह जी उससे आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि रिजल्ट मिलेगा। सो अगर विंटर में आपकी स्किन जो है ज्यादा डल हो रही है, या फिर ग्लो नहीं रहा फेस पे, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो तब भी आप इस क्रीम को यूज करके फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके फेस पे किसी किस्म की एक्नी प्रॉब्लम नहीं है, स्याहियां नहीं है, स्किन बिल्कुल साफ है, जस्ट आप उसको व्हाइट करना चाहते हैं और आप यूज करना चाहते हैं इस क्रीम को, तो आप फिर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना, आपने वीडियो को एंड तक देखना, जो चीजें मैं आपको बताऊंगी वो फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह जी आपकी स्किन की ऑल प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। चलिए फिर बिना टाइम से कि क्रीम बनाना शुरू करते हैं। और क्रीम बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जी क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी यहाँ पे तिब्बत स्नो क्रीम। तिब्बत स्नो क्रीम जो है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी, बहुत फायदे हैं। ऑलरेडी इस पे मैं वीडियोस काफी ज्यादा बना चुकी हूँ और हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये बहुत अच्छी है। तो एक खाली बाउल लेंगे, उसके बाद ये तिब्बत जो क्रीम है ये हमें लेनी होगी एक चम्मच। एक चम्मच मैं आपको थोड़ी सी बना के दिखा रही हूँ, बस आप ज्यादा बनाना चाहेंगे तो वैसे आप ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ व्हाइटनिंग सीरम। तो मैं व्हाइटनिंग सीरम यहाँ पे ले रही हूँ गोल्डन पर्ल का। आप कोई भी अच्छा सा ले सकते हैं जो आपकी स्किन पे सूट करता हो, तो ये आपको मेडिकल स्टोर से या फिर कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगा। और ये जितनी सी हमने बनानी है ना, इसमें हमें चाहिए होंगे 3 ड्रॉप्स। उसके बाद हमें चाहिए होगी एलोवेरा जेल। तो हमें मार्केट वाली ही चाहिए फ्रेश, हम इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको बना के स्टोर करना है। तो अगर तो आपको फेस पे ग्लो चाहिए तो फिर एलोवेरा जेल बेस्ट है। किसे नु चाहिए तो किसे नु चाहिए सानू तो ग्लो चाहिए। तो ये आपने हाफ चम्मच इसमें ऐड कर। उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम ओलिव ऑयल। ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि विंटर है, स्किन ड्राई है, और इससे वैसे भी स्याहियां वगैरह एक्नी जो है ना बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। तो ये भी हम लेंगे 3 ड्रॉप्स। उसके बाद ये लास्ट में मैं यहाँ पे ले रही हूँ हर्बल फैमिली क्रीम। वो इसलिए कि अगर आपके फेस में बहुत ज्यादा स्याहियां, बहुत क्रीम्स यूज की हैं, वो नहीं जान छोड़ रही, तो तब आप इसको ऐड करेंगे। अगर आप सिंपली अपने फेस को व्हाइट करना चाहते हैं तो फिर यही चीजें आप लोगों के लिए काफी है। तो अगर एक्नी स्याहियां वगैरह हैं तो उसको उसके लिए हम ये ऐड करेंगे। तो ये भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, फैमिली हर्बल, ठीक है। ये आपने थोड़ी सी लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने ली है, आप देख सकते हैं। तो फिर ये सारी चीजों को आपने करना है मिक्स। ये देखें मिक्स होके ये क्रीम बन गई है जबरदस्त सी। ये आपकी हो गई है पावरफुल क्रीम रेडी। तो इसको आपने यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले भी आपने इसको यूज इस तरीके से करना है कि आपने सिंपली क्लींजिंग ले लें, कोई सी भी क्लींजिंग ले लें, मिल्की क्लींजर, क्योंकि स्किन ड्राई हुई होती है विंटर में, तो आप क्लींजिंग लेंगे, उससे अपने फेस को वॉश करेंगे, क्लींजिंग करेंगे। तो जब आप क्लींजिंग करेंगे आप देखिएगा आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और जो डस्ट वगैरह ना वो निकल जाएगी। अगर नहीं है आपके पास तो आप सोप भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि जब आपका फेस वॉश हो जाए ड्राई करके, आपने थोड़ी सी क्रीम लेनी है और आपने इस तरह से अपने फेस पे लगानी ये चीज, ठीक है। इस तरह से लगा के आपने ऐसे ही रहने देना, ये नहीं करना इसको अच्छी तरह से हम रग रहे मसाज करें स्किन के अंदर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। तो आप इस तरह से लगा के इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। इस क्रीम से ना तो आपकी स्किन बारीक होगी, ना किसी किस्म का साइड इफेक्ट होगा। मैं 100% गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि इस क्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। तो जी उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अगर आप 10 ईयर से ज्यादा हैं या 10 ईयर के भी हैं तो आप इसको यूज करना चाह रहे हैं,
तो आप इस क्रीम को फॉलो कर सकते हैं, यूज़ करें, इंशाल्लाह जी इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जी अगर आपके फेस पे बहुत पुरानी सियाइयाँ हैं, नहीं वो जा रही, तो तब भी आपने इसको यूज़ करना, ये ना हो आप 2 से 3 दिन यूज़ करके आप करें आपकी ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। आप कुछ डेज इसको यूज़ करेंगे तो आपकी सियाइयाँ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। सो गाइस यही थी मेरी आज की छोटी सी अमेजिंग वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।